ये देखो सारे भैंसे हैं, सारे भैंसे हैं कैसे तर रहे हैं पानी में। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द बफेलोज आर टेकिंग बाथ, वी कैन से। देखो सूरज गुरूब हो रहा है, बिल्कुल होने वाला है। अभी देखो कमिट किसी ने किया था, तो उसने कहा था कि क्लच को कैसे रिलीज़ करते हैं। ठीक है, क्लच को रिलीज़ करने का बिल्कुल एक अलग सा तरीका है, फिर एक्सीलेटर को कैसे कंट्रोल किया जाए। आप ये लेफ़्ट साइड पे जो क्लच है आप उसको कैसे रिलीज़ करोगे जब आपको गाड़ी चलाना हो, तो आप क्या कीजिएगा, ये देखो अभी जब मैंने इसको, आप मुकम्मल पकड़िएगा या नहीं पकड़िएगा, या बिल्कुल ये आपने क्लच बिल्कुल हाफ़ पकड़ा हुआ है, आगे इतना भी नहीं पकड़ा, मुकम्मल इसको पकड़ो। ये देखो, ये अगर ऐसा पकड़ोगे तो इसका मुंह ऐसा खुल जाएगा, और इस तरफ से ये देखो ये दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, ये दोनों मिले हुए हैं। जब भी गाड़ी चलाने, गियर लगाने के बाद जब हम इसको रिलीज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ा हुआ है ना, इसको थोड़ा थोड़ा रिलीज़ कर, देखो ये खुल रहा है, खुल रहा है। ठीक है, ये देखो खुल रहा है, खुल रहा है आस्ते आस्ते। अब इसको कंट्रोल कीजिएगा, इसको कंट्रोल कीजिएगा आगे, तो खुद आप आगे की तरफ देखिएगा, आस्ते आस्ते इसको ऐसा छोड़िएगा, फिर आपकी गाड़ी आगे की तरफ खुद मूव करेगी, क्योंकि गाड़ी गियर में। दोबारा मैं दिखाता हूँ। अभी देखो आपने कर दी अगर बिलफर्ज गाड़ी स्टार्ट, ठीक है, अगर आपने कर दी गाड़ी स्टार्ट, तो आप क्या करते हो, क्लच को ऐसा नहीं पकड़ो, ये हाफ़ है, यहाँ आप ऐसे देखो, ये हाफ़ है, और इधर भी देखो। पकड़ने का अंदेशा ये है कि यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। ये देखो ये भी हाफ़ है, ये भी आपको मज़ा नहीं देगा, इसमें भी आप इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लोगे, हो सकता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ हो जाए। यहाँ प्रेस करना है बिल्कुल, और ये दोनों मिल जाएं, ठीक है, आपस में मिले हुए हों, तो आपका क्लच अच्छा पकड़ा हुआ है, आपने क्लच अच्छा पकड़ा हुआ है। रिलीज़ करने का तरीका ये है कि आप देखो इधर से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके खोलो, थोड़ा थोड़ा करके इसके छोड़ो, इसको इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, नीचे मैंने ग्रिप लगाया हुआ है, इधर से आप छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, छोड़ते जाओगे, ठीक है, तो ये गाड़ी आपका आगे की तरफ मूव करेगा। मैं आपको स्टार्ट के बाद भी करके ऐसे दिखा दूँ, जब आपको क्लच की ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल छोड़िएगा, ये ऐसा मिल जाएगा, लेकिन इसको इसी हिसाब से बनाओ, सेट करो, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से ग्रिप करो, पकड़ो और अच्छी तरीके से छोड़ो। ठीक है, ये देखो अगर दोनों मिल जाएं तो आपने क्लच को बिल्कुल छोड़ दिया है इसी हिसाब से। अगले राइट तरफ रेस है, ठीक है, या आप इसको अगर ऐसा आप मूव करोगे, ये आगे की तरफ बिल्कुल नहीं मूव होगा, ये बिल्कुल इधर क्लोज है, ठीक है, बिल्कुल प्रेस है। अभी आप इसको गाड़ी स्टार्ट नहीं है, आप ये जो मास है ना, ये फ्लैश नज़र आ रहा है ना, आप थोड़ा थोड़ा करके इसको मूव, अभी मूव करेंगे कैसे, ये आप अपने तरफ माना उस तरफ ना, ये तो ये हो गया बंद, ठीक है, बाहर की तरफ आप इसको प्रेस करोगे उंगलियों की तरफ, ये हो जाएगा बंद, या हो जाएगा रिड्यूस, आपका एक्सीलेटर रिड्यूस हो जाएगा, या ये डी एक्सीलेटर हो जाएगा, आपको रेस देना है। ठीक है, आपने ऐसा बंद किया हुआ है, आगे की तरफ आपने इसको पकड़ा हुआ है, आगे की तरफ आपने इसको प्रेस किया हुआ है, जब स्टार्ट होगा ना तो पकड़ने का अंदाज़ ये मैं अभी इधर दिखाता हूँ, ठीक है, ये ऐसा है ना, तो आप जब रेस दोगे ना, तो ऐसा करो ना, यहाँ से ये तो मैंने यहाँ से आपको ऐसा, अभी देखो ये इतना थोड़ा मुड़ गया ना, तो ये रेस आ गया। अगर ज़्यादा इधर, ये ऐसे प्रेस करना है आपको रेस को, अपने फ्लैश के साथ, अपने फ्लैश के साथ, फ्लैश के साथ, यहाँ तो पता नहीं रेस, पता नहीं कहाँ, ये पता नहीं गाड़ी 60 स्पीड, ये मैंने फुल रेस दे दी, इसी में गाड़ी 70-80 स्पीड में भी जा सकती है। ऐसा आपको रेस को रिड्यूस करना है। अभी देखो रिड्यूस भी आप इसको ऐसा करोगे, ये तो मैं उल्टा पकड़ के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी आपने रेस को पकड़ा हुआ है तो फ्लैश के साथ इसको प्रेस करते जाओ। अभी ये बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है, ऐसा इसको पकड़ो, ताकि आपका जो मैंने अभी अभी आपको बताया, थोड़ा थोड़ा फ्लैश के साथ ये मूव होता जाए, तो फिर ये आपका रेस अच्छा चलेगा और कंट्रोल हो जाएगा। अभी मैं स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ न्यूट्रल बटन ऑन है, बिलफर्ज
ये गाड़ी मैंने कर दी ऑफ, ये न्यूट्रल बटन ऑन, अभी मैं लगा रहा हूँ किक। ये देखो ये न्यूट्रल बटन ये ऑन हो गया, इधर मैंने गाड़ी की इंसर्ट किया, अभी मैं कर रहा हूँ इसको स्टार्ट। ये देखो फ्री मेरी हो गई स्टार्ट, ठीक है। अभी ये देखो ये मैं इसको आगे की तरफ, अभी मेरी गाड़ी न्यूट्रल है ना, अब बिल्कुल सेट्सफाई हो जाए गाड़ी आगे की तरफ बिल्कुल मूव नहीं करेगा। यहाँ ये आप गाड़ी को ऐसा मूव करोगे ये सा, अभी देखो ना ये देखो गाड़ी कितना शोर दो, देखो ऐसा मूव करोगे, ऐसा मूव करोगे। अभी देखो मैं इसको अगर ज़्यादा दे रहा हूँ, देखो इतना ऐसा मुँह करोगे, अपने फ्लैश के साथ इसको चश्मा कर दो, ऐसा मुँह कर दो, फिर ऐसा ऐसा अगर ज़्यादा, तो ये देखो गाड़ी कितना शोर जो शोर हो रहा है। आप इसको रिड्यूस करोगे तो ऐसा इसके फ्लैश के साथ इसको दबाओ, मींस ये देखो ये ऐसा पकड़ा हुआ हो, फिर फ्लैश के साथ इसको थोड़ा थोड़ा दबाओ। आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल चश्मा कीजिएगा रेस और इस फ्लैश को, अभी इसको थोड़ा थोड़ा मूव कीजिएगा स्टार्ट होने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई रेस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, रेस को कैसे रिड्यूस किया जाता है, कैसे रिड्यूस होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार, अभी देखो मैंने छोड़ दिया, ये दोबारा इसको आप ऐसा प्रैक्टिस करो, थोड़ा ऐसा अपने हिसाब से मूव करो। हाँ ये देखो मूव करो, यहाँ हो गई, ये इस तरफ मैं इसको गोलाई पे सर्कल पे घुमा रहा हूँ तो ये बढ़ रहा है, ऐसा ऐसा अगर आप घुमाओगे तो ये होगा बढ़ेगा। अगर ऐसा आप इस तरफ घुमाओगे तो ये रेस होगा आपका बंद। अभी देखो मैं ये मेरी उंगली है, ये देखो ये उंगली इस तरफ है, ये इस तरफ आ रहा है तो रेस बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इसी हिसाब से आपको रेस को प्रैक्टिस करना है। अब दोबारा देखिएगा, ये आप ऐसा पकड़े हुए हो, ठीक है, ये आपकी उंगली है, ये अपने बॉडी की तरफ, ठीक है, अपने बॉडी की तरफ इसको मूव करो रेस को, तो ये आपका रेस बढ़ेगा। या अगर रेस आपको ऐसा आपने प्रेस किया हुआ है, ये देखो उंगली ये मैंने इधर रख दी, अभी क्या है ये उंगली ऊपर आ जाए तो ये आपका रेस बढ़ेगा। ये देखो ये ऐसा बढ़ेगा, इतना ही काफ़ी है। इधर रखा हुआ था, थोड़ा मैंने इधर किया, ये ऐसा किया, रेस बढ़ गया, ठीक है। रिड्यूस आपको करना है, इसको नीचे नीचे रिड्यूस कीजिएगा, ऊपर रेस आपको देना है, ये उंगली है ना ये ऊपर आएगी ऊपर की तरफ, देखो, और आपको रिड्यूस करना है, इस रेस को नीचे की तरफ दबाइएगा। अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ये वाला वीडियो जो कि हाउ टू रिलीज क्लच। ये देखो अभी देखो मेरा गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ मैंने क्लच ये मैंने इधर मैंने ये बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ, क्योंकि बिल्कुल खुला हुआ है, इसको फुल अगर ग्रिप टाइट ली तो आप क्या करोगे, लाओ 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 ये दोनों को इधर मिलाओ, ये आपका रेस अगर सेट है एडजस्ट है तो ये आपका रेस बिल्कुल सही है। एडजस्ट के लिए ये कि आप इसको अभी ये फुल पकड़ा हुआ है, आप एडजस्ट के लिए ये चेक करोगे नीचे, मैं अभी इसको गियर लगा रहा हूँ तो ये देखें, ये देखें ये मैं गियर लगा रहा हूँ, ये गियर मैंने लगा दिया, इस तरफ आप रेस दोगे उसी हिसाब से। अगर गाड़ी भी गियर में, क्लच भी आपने फुल ग्रिप किया हुआ, ये देखो बिल्कुल मुंह खुला हुआ इधर से, तो फुल आपका ये ग्रिप इस तरफ, ये देखो ये दोनों मिले हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी आगे की तरफ मुंह नहीं कर रही है तो आप यूँ समझो कि आपका क्लच बिल्कुल काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। वैसे क्या होता है, अगर क्लच में थोड़ा डिफेक्ट होता है ना, तो गियर लगाने के बाद ये गाड़ी आगे की तरफ मूव करेगा इसी कंडीशन में। अभी देखो गाड़ी आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा है तो आपका क्लच बिल्कुल काम कर रहा है। अभी मैं इसको धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, आप देखिएगा ये गाड़ी स्टार्ट है, ये न्यूट्रल बटन भी इधर ऑफ है, ठीक है, न्यूट्रल बटन भी इधर ऑफ है। अभी मैं इसको आगे की तरफ, गाड़ी को आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ से आप देखो ये खुलता खुलता कितना खुल रहा है, फिर कितना, ये देखो आगे की तरफ मैं इसको खोल रहा हूँ और गाड़ी खुद ब खुद, रेस को कंट्रोल कीजिएगा, रेस को कंट्रोल आगे खुद ब खुद, ये देखें बेरेस को कंट्रोल कीजिए, ये देखो अभी दोबारा ये देखो गाड़ी थोड़ा थोड़ा करके खोलिएगा, थोड़ा थोड़ा ये खुलेगा यहाँ देखो इसका स्पेस देखो अभी खुलने वाला है, यहाँ देखो ये गाड़ी आगे की तरफ खुद ब खुद मूव कर रहा है, ये देखो ये मूव कर रहा है। ये अभी मैंने क्लच पकड़ा, गाड़ी यूँ समझो को इसको ब्रेक लगा दिया। अभी देखो आपको रिलीज़ करना है बिल्कुल स्लो, इसको ऐसा जल्दी में आप नहीं छोड़ो, क्योंकि रेस होगा तो गाड़ी
ये जंप लगाएगी, जंप लगाएगी बिल्कुल स्लो स्लो। आप आगे की तरफ भी देखो, सिर्फ इस आगे की तरफ देखो, आपको रास्ता है कि नहीं, कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, कोई बंदा है, कोई गद्दा है, किसी हिसाब से आपको अगर रास्ता है तो आप फिर इसको छोड़िएगा, ठीक है। ये देखो मैं कैसे छोड़ रहा हूँ, ये देखो अभी गाड़ी आगे की तरफ खुद ब खुद मूव करती है, मैंने ये क्लच पकड़ा, ये अभी अभी बैठ के हम इधर आप चला के आपको दिखाते हैं, ये देखो, ठीक है। ये मैं क्लच को कर रहा हूँ रिलीज़, ये दोनों मिले हुए हैं, ये मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ये देखो कितना खुल गया, ये खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, गाड़ी भी आगे की तरफ ये खुद ब खुद मूव होता जा रहा है। मैंने अभी आपको छोड़ना है तो आप देखो गाड़ी जो है ना, ये उसने चल दिया अपने बल पे, तो आप क्लच को छोड़ सकते हो। अभी दूसरा गियर लगाओगे, दूसरे गियर के ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दूसरा गियर ऐसा क्लच पकड़ो, ये देखो मैंने पकड़ा हुआ है, इस तरफ देखो, ये देखो मैंने पकड़ा हुआ है, दूसरा गियर लगाओ और बस इसको फिर जल्दी से आप, क्योंकि गाड़ी चल रहा है ना, फिर जब दूसरा गियर लगाओगे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप क्लच को स्लो स्लो छोड़ दो। ये देखो दूसरे गियर में गाड़ी चल दिया, चला दिया, ये मैंने दूसरे गियर में ऐसा, फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर आप क्लच पकड़ के गियर लगाओ, ये क्लच पकड़ के मैंने फोर्थ गियर अभी लगाया, आप नीचे सड़क को देखो ये कितना गाड़ी अभी स्पीड में जा रहा है ऐसा, ठीक है। फर्स्ट गियर की ये रिक्वायरमेंट है, आपको रिलीज जब करना है तो बिल्कुल स्लो स्लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।